क्रिस्त में मेरे माता पिताओं और मेरे साथियों, अल्बर्ट स्वाइट्जर एक प्रसिद्ध जर्मन धर्मशास्त्री, चिकित्सक और दार्शनिक थे। उन्होंने एक बार कहा था, मानव जीवन का उद्देश्य सेवा करना, सहानुभूति दिखाना और दूसरों की मदद करने की इच्छा जाहिर करना है। इसी तरह महात्मा गांधी ने कहा था, अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने आप को दूसरों की सेवा में खो दे। एक गहन विचार आज के पाठों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, जो हमें सेवा और प्रेम के जीवन की ओर आमंत्रित करते हैं। आज के पहले पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 10 में संत पौलुस एफेसियों को याद दिलाते हैं कि वे पहले अपने पापों में मृत थे, हालांकि ईश्वर ने अपनी महान कृपा से उन्हें मसीह में जीवन दिया। मुक्ति ईश्वर का उपहार है, जो कार्यों के द्वारा नहीं बल्कि कृपा द्वारा प्राप्त होती है और विश्वासियों को उसकी सेवा में अच्छे काम करने के लिए बुलाया गया है। आज के सुसमाचार लूकस अध्याय 12 पद संख्याएं 13 से 21 तक में यीशु के पास एक व्यक्ति आता है, जो विरासत के विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए कहता है। पक्ष ना लेते हुए यीशु लालच के खिलाफ चेतावनी देते हैं और धनवान मूर्ख के दृष्टांत सुनाते हैं। यह धनवान व्यक्ति एक समृद्ध फसल के साथ धन्य था और उसने अपनी संपत्ति को संचित करने का निर्णय लिया, यह मानते हुए कि इससे उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि ईश्वर उसे मूर्ख कहते हैं और यह घोषणा करते हैं कि उसकी जिंदगी उसी रात समाप्त हो जाएगी, जिससे उसकी समृद्धि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यह दृष्टांत हमें यह सिखाती है कि हमारी जिंदगी भौतिक धन या संपत्तियों से परिभाषित नहीं होती। यीशु हमें अपने संबंध को ईश्वर के साथ प्राथमिकता देने और अपनी संपत्तियों का उपयोग दूसरों के भले के लिए करने हेतु प्रेरित करते हैं। आज के पाठ हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम धन और भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में व्यस्त हैं, या क्या हम अपनी संपत्तियों का उपयोग ईश्वर और जरूरतमंदों की सेवा में कर रहे हैं। सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणिक है और इस दुनिया के खजाने हमारे साथ अनंत काल में नहीं जाएंगे। सच्ची संतोषजनकता और खुशी भगवान के प्रेम में आधारित उदारता, सहानुभूति और सेवा का जीवन से आती है। इन संदेशों पर विचार करते हुए आइए उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का प्रयास करें, जो भौतिक लाभ नहीं बल्कि सेवा और प्रेम पर केंद्रित हो। हम एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जो ईश्वर की कृपा को दर्शाता हो और सक्रिय रूप से हमारे उपहारों का उपयोग उन लोगों को उठाने के लिए करता हो जो हमारे चारों ओर हैं। साथियों, आइए इस सुंदर कार्य के लिए सामने। आमीन।